18वीं लोकसभा के लिए ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए दोबारा चुन लिया गया है, लेकिन डिप्टी स्पीकर पर अब भी संशय कायम है। 17वीं लोकसभा में मोदी सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखा था, जबकि 16वीं लोकसभा में ये पद AIADMK KM थंबीदुरई को मिला था। इस बार बीजेपी ने अब तक डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चुप्पी साध रखी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन तीसरा टर्म अपने दम पर नहीं है। इस बार मोदी सरकार के बदले NDA सरकार है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि NDA की मुख्य सहयोगी पार्टियां TDP और JDU डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर सकती हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की TDP ने कहा है कि उसे डिप्टी स्पीकर का पद हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। TDP का यह बयान तब आया है जब अटकलें लगाई जा रही थी कि 2014 में मोदी के पहले कार्यकाल में जिस तरह से AIADMK को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया था, उसी तरह इस बार TDP को दिया जा सकता है। NDA के भीतर TDP के रुख को लेकर कहा जा रहा है कि वो सरकार में पदों को लेकर दिलचस्पी कम रख रही है। TDP का पूरा ध्यान राज्य के लिए फंड पर है। TDP को मोदी मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है। इधर JDU की बात करें तो JDU ने भी डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कुछ नहीं कहा है। हालांकि राज्यसभा में भी उपसभापति का पद JDU के पास ही है। JDU के हरिवंश राज्यसभा में उपसभापति हैं। ऐसे में JDU के पास संसद के दोनों सदनों में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले इसकी संभावना कम ही दिखती है। कांग्रेस जो कि बुधवार सुबह तक कहती रही कि अगर बीजेपी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने के लिए तैयार है तो वो लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लेगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया। शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने कहा है कि सरकार डिप्टी स्पीकर पर चुप है। वहीं अगर हम बात करें कि आखिर कांग्रेस क्यों चाह रही है डिप्टी स्पीकर का पद, तो आपको बता दें 1969 तक कांग्रेस की सत्ता में भी कांग्रेस ये दोनों पद अपने पास ही रखती थी, लेकिन साल 1969 में ये चलन बदल गया। कांग्रेस ने ऑल पार्टी हिल लीडर्स के नेता गिलबर्ट जी स्वेल, जो कि उस समय शिलोंग से सांसद थे, उन्हें ये पद दिया। संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार डिप्टी स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा के एक सांसद को यह काम करने के लिए चुनते हैं। अनुच्छेद 94 के मुताबिक अगर स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो इस इस्तीफे में उन्हें डिप्टी स्पीकर को संबोधित करना होता है। 1949 में संविधान सभा में इसे लेकर बहस हुई थी। डॉ भीमराव अंबेडकर का कहना था कि स्पीकर का पद डिप्टी स्पीकर के पद से बड़ा होता है, ऐसे में उन्हें डिप्टी स्पीकर को संबोधित नहीं करना चाहिए बल्कि राष्ट्रपति को संबोधित करना चाहिए, लेकिन ये तर्क दिया गया चूंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन सदन के सदस्य करते हैं, इसलिए इस पद की जवाबदेही सदस्यों के प्रति है। सदन के हर सदस्य को इस्तीफे में संबोधित नहीं किया जा सकता, ऐसे में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ही संबोधित करना चाहिए क्योंकि वो सदन का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ये तय हुआ कि अगर स्पीकर इस्तीफा देते हैं तो डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेंगे, और अगर डिप्टी स्पीकर के इस्तीफे की स्थिति आती है तो वो स्पीकर को संबोधित करेंगे।